वहीं नगर निगम भिलाई की स्वास्थ्य टीम ने डायरिया प्रभावित कैंप क्षेत्र का निरीक्षण किया। अव्यवस्थाएं देख उचित निर्देश यहां दिए गए। डायरिया से हुई दो लोगों की मौत के बाद निगम भिलाई अब और हरकत में आ गया है और नगर निगम भिलाई की स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर कैंप क्षेत्र और खुर्सीपार क्षेत्र का निरीक्षण किया है। हम बता दें कि स्वास्थ्य टीम ने क्षेत्र की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा, देखा और जाना। पाइप लाइनों की लीकेज सहित गड्ढों में एकत्रित पानी को चेक किया। इस निरीक्षण टीम में उपायुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू सहित निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण को लेकर उपायुक्त अशोक द्विवेदी व स्वास्थ्य प्रभारी लक्ष्मीपति राजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक्चुअली क्या है कि अभी 22 तारीख में केसेस हुए थे, बहुत ज़्यादा केसेस एडमिट भी हुए थे और उसमें कैविटी भी हुई थी और उसी के बाद से कंटिन्यू यहाँ पे काम हो रहा है और लीकेज को ट्रेस कर लिए गए। करीब वो बता रहे हैं 140 इस मोहल्ले से, ये जो आसपास का जो मोहल्ला है उसमें 140 के आसपास लीकेज है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो पंचर किया हुआ है, लोगों की ये कहना है कि प्रेशर नहीं होने की वजह से ये स्थिति बनी, तो पानी से दूषित हुआ है। लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है, और पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी इन्होंने की है। सेंटर्स वही सब देख रहे हैं क्योंकि एक कमेटी बनी हुई है कि ये एक्चुअली ये किस तरह से हुआ और क्यों हुआ और इसका अपन क्या उपाय सोचते हैं कि आगे जाके ये स्थिति रिपीट ना हो। तो आलोचन तो यही है कि अमृत मिशन का जो पार्ट है, अमृत मिशन के पार्ट 2 में इसको शामिल किया हुआ है, तो वो सारी जो डीपी वाली जो पाइपलाइन है वो जब बिछेंगी और तब ये प्रेशर का जो मसला है वो हल होगा, तब जाके ये हल होगा। हालांकि उसमें टाइम लगेगा पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ की है, टैंकर से पानी सप्लाई कर रहा है, सिंटेक्स के पानी टंकी भी रख दिया है कुछ जगह में, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि भैया अभी जो स्थिति है वो आप पानी को छान के उबाल के पीजिए। और लोग जो पंचर जगह जगह किए हुए अपने हिसाब से किया हुआ है, नाली के अंदर किया, हम सजेस्ट कर रहे हैं, पता भी कर रहे हैं टेक्निकली कि अगर जिस लेवल पे घर के सामने नाली के ऊपर में वो ले रहा है पानी, अगर उतना ही उसी लेवल पे अंदर ले जाए तो क्या पानी आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो फिर हम लोग सबको वो कनेक्शन फिर से रिपीट कर देंगे और वो कनेक्शन देंगे। कैंप व खुर्सीपार क्षेत्र डायरिया के प्रकोप में और ज्यादा ना आए, इसे लेकर निगम सख्ती से प्रयास कर रहा है और व्यापक कदम भी उठा रहा है। उम्मीद जताई जा सकती है कि मरीजों के लगातार मिल रहे आंकड़ों में कमी आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।